हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू उड़ान इंटरनेशनल स्कूल। माई सेल्फ जय निकिता, एंड हम लास्ट सेशन को हर बार जो करते वो रिवाइज कर ले और फिर आगे कंटिन्यू करें। सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट सेशन वी कवर्ड द टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, जिसमें हमने कंप्लीट किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोर देन थ्री, प्रोडक्ट ऑफ थ्री और मोर देन मोर नेगेटिव इंटीजर। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंटीजर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन में भी सेम एज इट इज वैसे ही होगा जो प्रोडक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये है -20 -5, जो हमारा दो नेगेटिव है उसका क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। प्रोडक्ट क्या होगा, इंटीजर होगा। यहाँ पे -30 × 12 है तो -360 होगा, क्यों यहाँ पे 1 ही माइनस है। ओके, तो -360 प्रोडक्ट सेम आया, इंटीजर आया। ऐसे ही ये सारे नंबर्स के भी प्रोडक्ट इंटीजर आएंगे। तो What do we observe? Can you find a pair of integer whose product is not an integer? ऐसा कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा। This gives us idea that product of two integer is again an integer. So we can say integer are closed under multiplication. Multiplication applicable है। Next है commutative of multiplication। उसमें भी हम यही चेक करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है 3 × -4, 1 माइनस तो -3 × 4 = 12 आएगा, -12। स्टेटमेंट 2 -4, जैसे हमने फर्स्ट में किया था कि आगे किया था कि फर्स्ट पहले पॉजिटिव नंबर फिर नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 1 में पहले नेगेटिव है फिर स्टेटमेंट 2 में पॉजिटिव है, और ये इंटरफेयर हो रहा है, इन्फ्रेंस हो रहा है। तो ये देखो 3 × -4 भी 12 होगा और -4 × 3 भी 12 होगा। तो ये सेम एज इट इज हमें यहाँ पे आंसर मिलेंगे ये स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल 30 − 12 का ही लेते, सॉरी 30 × 12 का ही लेते, तो उसका आंसर भी क्या आएगा यहाँ पे -360, यहाँ पे भी -360 ही आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -30 × 12 = 12 × -30। ये सेम आया, इक्वल आया, तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 भी इन्फ्रेंस होके सेम ही आंसर आएगा। सो इसी से हमें ये भी पता चलता है कि मल्टीप्लीकेशन जो क्यूमिटेटिव में होती है वो भी इंटीजर में हमें मिलेगी। तो a × b और b × a जो भी होगा वो इंटीजर में सिमिलर आएगा आंसर। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। वी नो दैट एनी होल नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय जीरो गिव्स जीरो। हम कोई भी होल नंबर को मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, जीरो। Observe the following product of negative integer and zero. These are obtained from the pattern done earlier. अब ऐसा कहा गया है कि है ना, ये ऐसा negative integer से multiply करेंगे तो भी होगा क्या? Let's see. -3 × 0 obviously zero है, -5 × 0 भी zero है, and 0 × -6 भी zero ही है। तो ये भी ऐसा बता जाता है जो नेगेटिव है उससे भी जीरो ही मिलेगा। तो उसकी जनरल टर्म क्या है, a × 0 = 0 × a, क्या मिलेगा हमें, जीरो ही मिलेगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में वी नो दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर। होल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 नंबर। चेक दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर एज वेल, वो इंटीजर के लिए भी है, हम चेक करते हैं। फर्स्ट है -3 × 1, क्या है, -3 आ रहा है। 5 × 1 × 5 = 5 आ रहा है। -4 × 1 क्या होगा, ऑब्वियसली -4। -5 × 1 = 5 -5, -6 = 8 3 = 7, तो ये भी
वन भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो जनरल टर्म में फॉर्म होती है इंटीजर में भी। अब उसकी जनरल टर्म क्या है, ए इंटू वन इज इक्वल्स टू वन इंटू ए, तो भी हमें क्या मिलेगा ए। हम कोई भी नंबर को ए से मल्टी ए को कोई वन से मल्टीप्लाई करे तो भी हमें ए मिलेगा, और वन को ए से करे तो भी ए मिलेगा। अगर हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, माइनस थ्री इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा थ्री, टू माइनस होंगे इसलिए, और यहाँ पे माइनस सिक्स माइनस वन सिक्स, यहाँ पे माइनस वन इंटू थर्टीन माइनस थर्टीन वन, माइनस वन इंटू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव, एटीन इंटू माइनस वन माइनस एटीन। तो जीरो इज द एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी वेयर वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। वी गेट एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर ए व्हेन वी मल्टीप्लाई माइनस वन। अगर हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एडिटिव इनवर्स मिलेगा, जैसे ए इंटू माइनस वन तो हमें क्या मिलेगा माइनस वन इंटू ए, और आंसर क्या होगा माइनस ए। तो माइनस वन जो है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होगा नहीं, क्योंकि वो उसकी साइन चेंज कर रहा है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लीकेशन में, उसमें क्या होगा तीन नंबर होंगे उसमें से कोई भी दो नंबर पैर होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये तीन नंबर है माइनस थ्री माइनस टू एंड फाइव, इसमें फर्स्ट टू नंबर क्या किया गया पैर बना गया, फिर नेक्स्ट जो है उसमें लास्ट टू नंबर को पैर बना गया, दो ग्रुपिंग कर देते हैं उसको बोलते हैं एसोसिएटिव। ओके तो यहाँ पे देखो इसको किया है माइनस थ्री इंटू माइनस टू क्या हो जाएगा सिक्स, सिक्स फाइव जा थर्टी। अब यहाँ पे माइनस थ्री अलग है, माइनस टू इंटू फाइव माइनस टेन, माइनस टेन इंटू थ्री माइनस थ्री थर्टी, हमें सेम आंसर आया दोनों केस में सेम आंसर मिले। अब यहाँ पे देखो माइनस सेवन इंटू सिक्स, तो यहाँ पे क्या होगा सेवन इंटू माइनस सिक्स ब्रैकेट, हमारा आंसर क्या होगा सेवन इंटू माइनस सिक्स, सेवन सिक्स जा फोर्टी टू, फोर्टी टू इंटू फोर वन सिक्सटी एट, वन सिक्सटी एट यहाँ पे भी यही सेम होगा, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर इंटू सेवन माइनस वन सिक्सटी एट, एज इट इज सेम होगा। यहाँ पे ए इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी, और यहाँ पे देखो ए बाहर है बी इंटू सी, तो ये जो भी होगा उसका आंसर हमें क्या मिलने वाला है सेम मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, हम ये नंबर फॉर एग्जाम्पल फोर एक्स सॉरी फोर इंटू टू एक्स प्लस वन, हम इसको ये नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको ये नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो 16 इंटू टेन है, टेन प्लस टू, तो इसको इससे भी करेंगे इसको इससे भी करेंगे। पहले देखो 16 इंटू टेन किया हुआ है, फिर प्लस 16 इंटू टू ये किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो माइनस टू इंटू थ्री क्या होगा, ये देखो दोनों को प्लस, अब टू इंटू थ्री प्लस फाइव क्या हो रहा है एट हो रहा है, तो टू माइनस टू इंटू एट क्या होगा माइनस सिक्सटीन। अब इसको हम ये मेथड से करते हैं, ठीक है, माइनस टू इंटू थ्री क्या होगा माइनस सिक्स, एंड माइनस टू इंटू फाइव क्या होगा माइनस टेन, तो प्लस माइनस माइनस सिक्स प्लस टेन सॉरी प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस टेन माइनस माइनस प्लस, तो माइनस सिक्सटीन हो गया। ओके तो यहाँ पे ये भी माइनस टू इंटू ये एंड ये इक्वल हो गया, ये एंड ये इक्वल हो गया। ओके सो ए इंटू बी, ए बी प्लस सी उसको एक्सपांड कर दिया, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब ये थोड़ा हाँ एडिशन, अब सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन में भी सेम करेंगे, ए इंटू ब्रैकेट बी माइनस सी को हम करेंगे ए इंटू बी,
माइनस ए इंटू सी, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस हो गया, डिफरेंस इतना ही है। नेक्स्ट है मेकिंग मल्टीप्लीकेशन इजियर। अब ये देखो माइनस 25 इंटू 37 इंटू 4 है, ओके। तो माइनस 25 इंटू 37 करेंगे तो 925 आएगा, तो माइनस 925 इतना बड़ा होगा, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका सिंपलेस्ट वे में हम करेंगे, जैसे ये देखो अगर माइनस 25 को हम 4 से करेंगे तो क्या होगा, 100 आ जाएगा डायरेक्ट, और 100 इंटू 37 माइनस 3700 इजियर वे है। ये इजियर था या ये इजियर है, ये आपको डिसाइड करना है। अब देखो फाइंड 16 इंटू 12, अब ये भी बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 16 इंटू 10 प्लस 12 10 प्लस 2 कितना होगा, 12 होगा। तो 16 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 160 प्लस 2 160 प्लस 32 कितना होगा, 192। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो ऐसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइनस 23 इंटू 48, तो 50 माइनस 2 कर सकते हैं, माइनस 23 इंटू 50, तो उसको हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1150 एंड 23 इंटू 2 क्या होगा, माइनस 46। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस एंड माइनस करेंगे तो आएगा हमारा माइनस 11104। अब ये है 35, यहाँ पे भी देखो 100 माइनस 2 माइनस 100, बड़ा नंबर है 98, हमें बड़ा करना है तो माइनस 100 प्लस 2 करें, तो 35 इंटू 100 क्या होगा, 35 और प्लस प्लस माइनस माइनस एंड इंटू 2 70, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 3500 माइनस 700 क्या हो जाएगा, 3430। वैसे ही ये 52 इंटू 8 प्लस 52 इंटू 2, ये भी सिमिलर है। अब एग्जांपल 2 देखते हैं, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो हम पहले 18 इंटू 10 करेंगे, 18 इंटू 10 कितना होगा, 180 इंटू 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 180 इंटू 9 जीरो, 9 8 72, 9 1 9 एंड 9 प्लस 7 16, 1620 ये आया हमारा आंसर, ये देखो। नेक्स्ट है 20 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो मैं करूंगी 20 इंटू 5, वन मिनट, देखो 2 इंटू 5 कितना होगा, 10। अब 10 इंटू 2 200 से 7 करेंगे तो 140। अब साइन कितनी है हमारे पास, 1 2 3, तो 3 है, ऑड साइन है तो माइनस 1400, ओके। अब ये देखो 1 इंटू 5 इंटू 4 20 इंटू 6 120, 1 2 3 4, 4 माइनस है तो 20 आया ये। अब नेक्स्ट है वेरीफाई माइनस 30 प्लस मल्टीप्लाई 13 प्लस माइनस 3, माइनस 30 इंटू 13 प्लस 30 इंटू 3, तो माइनस 30 है बराबर 13 इंटू माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10, तो माइनस 30, देखो माइनस 30 एज इट इज बराबर ये है 13 प्लस माइनस माइनस 10
10 आया, तो -30 इंटू 10 क्या होगा, -300। ये हुआ फर्स्ट इसका सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो -30 इंटू 13, तो 13 थ्री जा 39 एंड 0 है तो 390, तो माइनस है यहाँ पे -390 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है, तो 30 इंटू 3 प्लस 90, तो 390 में से 90 माइनस होगा तो क्या आएगा, -300। तो ये भी वेरीफाई हुआ, ये दोनों सिमिलर है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कल एक्सरसाइज 1.3 कवर करेंगे। होप आपको ये समझ आया होगा। तो कल हम एक्सरसाइज 3.1 1.3 करेंगे, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा।